नमो भित्रा गाय नमो भित्रा गाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो वज्जायानं नमो लोए सब साहुनं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पावप्पनासनो सब पावप्पनासनो मंगला नंच सव्वेसिं मंगला नंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने के निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जीवन जीने का जो पूरा मार्ग है वो पूरा मार्ग बंधन स्वरूप है और हमारी दृष्टि जो मुक्त है आत्मा उसी की तरफ होनी चाहिए। तो बंधन होना ये कोई आज के अफसोस की बात नहीं है, मगर बंधन को मेरा बंधन मानना इसका नाम है अज्ञानता।
मैं तो मुक्त हूँ। बंधन जो होता है, शरीर तो बंधन में है ही, और शरीर तो बंधन में अंतिम श्वास तक रहेगा, क्योंकि शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है। मगर मैं शरीर नहीं हूँ, और इसीलिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे को बंधन है नहीं। मगर जब मैं शरीर के ही बंधन को मेरा बंधन मानूंगा, क्योंकि शरीर को ही मैं मेरा शरीर मानता हूँ, बस यही अज्ञानता है, और वो ही अज्ञानता को निकालना है। तो लोग मुक्ति के मार्ग को, वितराग के मार्ग को, ज्ञानी पुरुष के मार्ग को किस प्रकार से आम जनता के सामने पेश करता है, जिसके कारण हर धर्म के शिष्य लोग, फॉलोअर्स लोग, आज हर व्यक्ति कंफ्यूज है, किसी को रास्ता मिलता नहीं है, हर व्यक्ति कंफ्यूज है, जीवन में ये मालूम नहीं होता है। इतना सारा धर्म जानने के बाद, धार्मिक ग्रंथों पढ़ने के बाद, इतनी सारी तपश्चर्या और साधना करने के बाद, पूरे संसार को त्याग करने के बाद, इतना मालूम नहीं होता है कि आखिर कुदरत ने हमको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है। अगर हम श्वास ले सकते हैं तो हम बंद भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब श्वास लेने की शक्ति हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास के आधार से ये मन वचन काया चलता है, उसमें हमारे पास फ्रीडम कहाँ से होगी? ये अभी तक लोगों को समझ में, धर्मगुरुओं को भी नहीं आता, आम लोगों की बात छोड़ो। जब मेरे पास श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मेरा मन वचन काया चलता है, अगर ये बंद हो गया तो सब क्या हो गया? तो इसका फ्रीडम नहीं है, तो इन तीनों का फ्रीडम हो सकता है? मगर ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। बोला मैं ही सोचता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही करता हूँ, यही लोग मानते हैं ना। गलती उन्होंने किया, गलत जवाब उन्होंने बोले, गलत व्यवहार उन्होंने किया, यही हम मानते हैं ना। सच्चाई समझना, सनातन सत्य समझना इतना आसान नहीं। धार्मिक सत्य समझना आसान है, सनातन सत्य समझना नहीं। धार्मिक सत्य तो किताब में लिखा है, जो लिखा है वो ही आपको बताते हैं, वो नहीं बताएंगे तो आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई नई बात। मगर सनातन सत्य कौन बताएंगे? जो किताबों से ऊपर होता है, किससे ऊपर होता है? सनातन सत्य किताब में नहीं आता है, सांप्रदायिक सत्य किताब में आता है, जो हर संप्रदाय में अलग अलग होता है। और सनातन सत्य अलग अलग होगा कि एक होगा? तो सनातन सत्य तो हम जानते नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक या धार्मिक सत्य जानते हैं, और इसीलिए हम अपने जीवन में वास्तव में ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है वो तो जानते ही नहीं है, और इसीलिए सब पजल में है, इसीलिए सब पजल में है। और सब लोग पजल में डिजोल्व हो गए, क्या हो गए? अगर ये दुनिया का सनातन सत्य जानोगे तो आप खुद ही पजल को डिजोल्व कर सकोगे, और नहीं जानोगे, अगर रिलेटिव सत्य जानोगे, धार्मिक सत्य जानोगे, सामाजिक सत्य जानोगे, तो आप खुद ही पजल में डिजोल्व हो जाओगे। तो बात तो एक दिन समझनी पड़ेगी ना।
कई अवतारों से हम जो कुछ मान रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो अंतिम सत्य है कि लौकिक सत्य है? और लौकिक सत्य के पीछे हमारा पूरा जीवन लगा देते हैं, और अलौकिक सत्य की तो दृष्टि है नहीं, फिर क्या होगा? जो लौकिक सत्य है वो तो आँख खत्म बंद हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, तो हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये आंखें बंद हो जाएगी कायम के लिए तो हम खत्म हो जाएंगे? तो फिर जो हम खत्म हो नहीं हो जाएंगे वो हम है कि खत्म हो जाएंगे वो हम है? कौन हम है? तो कौन है वो हम? अगर हम खत्म हो गए तो फिर रिवर्ट किसका होगा? तो अभी तक क्यों नहीं बोला कि खत्म हो गए तो वो हम नहीं है, हम तो आत्मा है? धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जिनकी पहली बार सुना ना आत्मा शब्द, पहली बार सुना, अभी जिनकी मैं सुना ही नहीं। रोज टीवी में भी आ रहे हैं, नहीं नहीं अरिंद चटर्जी। आप जैन है? हाँ। तो जैन में कभी आत्मा शब्द सुना ही नहीं है, साधु भगवान कभी सुनाते ही नहीं है, तो मना करते हैं। कितना सोच सोच के बोलना पड़ता है, जैसे कभी सुना ही नहीं है, खींच खींच के लाना पड़ता है कहीं से ढूंढ के। यही तो हमारी सच्चाई है। आपको तो अट्ठे कर देंगे मगर ज्ञान की जरूरत नहीं। यही बात है। तो सच्चाई समझना इतना, सनातन सत्य को समझना इतना आसान नहीं। ये मालूम नहीं है कि जो जल जाएगा वो हम है कि जो जलता नहीं है वो हम है, वो ही मालूम नहीं। फिर कहेंगे हम महावीर को मानते हैं, तो महावीर ने कहा मैं तो आत्मा हूं, और महावीर वाले कहेंगे हम तो आत्मा को मानते ही नहीं, जानते भी नहीं है, और कभी कभी सुना है तो याद भी नहीं है। तो वो तो जानने मानने की बात नहीं है। अगर सुन लिया तो सुन लिया, मगर इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट किसमें है? देह में। जो जल जाएगा उसमें है। अगर हम जल गए तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? आत्मा का। आत्मा का होगा। तो हम आत्मा है कि शरीर है? आत्मा शरीर है। हम जीते हैं कैसे? आत्मा का। आत्मा कोई शरीर में रही तो जीती है, वो शरीर लग गया तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर। हम आत्मा है कि शरीर है? हम आत्मा है। और जीते हैं शरीर के लिए। कोताही में चंदूलाल हूँ और जीता हूँ मगरलाल के लिए। ये कि कॉमन सेंस की बात है। कहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी लाइफ जो जी रहे हैं वो शरीर के लिए जीना है या आत्मा के लिए? मगर वो तो याद भी नहीं है, 40-50-60 साल हो गया तो ऊपर जाके याद करना। हर समय में शरीर वही है, मैं नामदारी हूँ वही है, याद है हमको, मैंने ये किया वो किया, मैंने विचार ये किया, मेरा विचार ये आया, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा बोला ऐसा किया, वही याद है। न मैं आत्मा हूँ न सामने वाले के अंदर आत्मा है, वो तो दिखता ही नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, हमको भी याद नहीं रहता है। कोई पूछेगा तो कहेंगे ना भाई हम तो शरीर नहीं आत्मा है, मगर वो जवाब देने के लिए है, सब दिमाग में रखने के लिए है। दिमाग में तो मैं 24 कलाक चंदूलाल ही हूँ,
पर फिर कहूंगा कि चंदूलाल को जला दिया जाएगा बार, तो फिर मैं आत्मा हूँ, जलाएंगे तब, तब तक आत्मा नहीं हूँ। जलने के बाद पैदा होता है आत्मा, बोलते नहीं आत्मा जरूर से पहले आया, वो भी पहले आया, ये बाद में आया, तो ये याद रहता है, वो याद नहीं रहता है, मतलब क्या? सबकी मानसिकता ये हो गई है, कलयुग की मानसिकता। महावीर शरीर के लिए जीता था कि आत्मा के लिए? आत्मा के लिए। और हम शरीर के लिए, फिर भी वो महावीर का मार्ग, फिर भी वो महावीर का मार्ग। और आप किसको फॉलो करते हैं? महावीर को। जीते कैसे है? शरीर के लिए, और महावीर आत्मा के लिए, तो पूरा उल्टा, फिर भी नाम महावीर का, या तो महावीर गलत था, हम गलत नहीं। कोई तो एथिक होना चाहिए ना, कोई तो प्रिंसिपल होना चाहिए ना, या आप महावीर को फॉलो करते तो महावीर ने जिस प्रकार से जिया इस प्रकार से जीना चाहिए आपको, या आप कहो कि मैं अपनी मर्जी से जीता हूं तो कोई सबको तकलीफ नहीं है, सबकी अपनी मर्जी होती है, मैं मना भी नहीं करूंगा, मगर महावीर का नाम के देकर अपनी मर्जी से जीना, ये तो महावीर का अपमान है। महावीर को फॉलो करते तो महावीर जिस प्रकार जीते हैं इस प्रकार से जीने का प्रयास करना चाहिए, तब कहोगे आई फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ महावीर। जब आप अपनी मर्जी जीते हैं और कहते हैं महावीर कहता है मैं करता हूं, ये कैसे गलत हो जाएगा? महावीर ने राजनीति करते थे नहीं। और हम करते, फिर भी महावीर का मार्ग, कोई जगह तो एथिक होना चाहिए कि नहीं? महावीर कसाई करते थे और हम करते, फिर भी महावीर का मार्ग नहीं, कोई जगह आप उसको सेट तो करो। आप कहोगे मैं महावीर को फॉलो करता हूं तो कोई जगह टैली तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नाम लगाने से मार्ग चल होता है, चलना पड़ता है। जब उनकी बातों को हम समझा ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं किया, तो एक न एक दिन बात को तो समझनी पड़ेगी ना। और कहीं अवतारों से इस प्रकार से चल रहा है, और इसलिए मैंने कहा अध्यात्म का मार्ग यह मार्ग नहीं है। ये जो मार्ग है अभी जो दुनिया में चल रहा है, मैं हर धर्मों की बात कर रहा हूं, हर धर्मों के धर्मों के अंदर जो मार्ग चल रहा है वो सब मार्ग दिखावे का है। क्या है? घर में एक दिन वाइफ कहेगी मैं बीमार हूं, आप हम रसोई आज नहीं बनाएंगे, तो हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? और परिश्रम के दिन अठाई करेंगे, तो अभी उपवास करो ना, मगर अभी करेंगे देखेगा कौन, दिखाना तो पड़ेगा ना। हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए नहीं करते हैं, दिखावा करने के लिए करते हैं। अगर मैंने उपवास किया है तो मैं चार व्यक्तियों को फोन करूंगा, बोला कैसा है तुम्हारी तबीयत, हम उसको पूछेंगे पहले, बोला नहीं मेरी तो बार आपकी कैसी, नहीं मैं तो मैंने उपवास किया है, ठीक है, तो बताने के लिए तो करना पड़ता है ना, नहीं तो उसको कैसे मालूम होगा तुम यहाँ हो मुंबई में, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मगर वो दिखाने के लिए। महावीर फोन करते थे कि मैंने अटैक किया है, बोलते नहीं, तो हम अपनी मर्जी जीते हैं, कहते महावीर का मार्ग है, या तो महावीर गलत है या तो हम गलत है, दोनों में से एक तो गलत है कि नहीं? हम राग द्वेष करते हैं, महावीर नहीं करते थे, हम कसाय करते थे, महावीर नहीं करते हैं, हम हर समय शरीर को याद करते थे, याद करते हैं, महावीर आत्मा को करते, तो हमारा उनका मिलजुल कहाँ है? कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? बहुत दूर तक कनेक्शन है। महावीर ने कहा मैंने जो त्याग किया इसको आप ग्रहण करते हो, हाँ क्या ना? आपने जो त्याग किया वो हम ग्रहण करते हैं, फिर भी मार्ग तो आपका ही है। नहीं समझ में आया, मार ठोक के आपका ही मार्ग जो हम करेंगे, वो आपको मानना ही पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, आप गलत है हम गलत बोलते नहीं है। महावीर अभी आया तो उसको झूठा साबित कर दे।
आप समझे, ये तो जैनों की मानता है। पुण्य फल तो मिलेगा, उपवास किया है, तप किया है, त्याग किया है खाने का, उसका पुण्य फल तो मिलेगा। मगर पुण्य फल के साथ साथ जो उपवास करके भूखा रह के जो कसाय करते हैं, राग द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं, इसका भी फल मिलेगा, दोनों का मिलेगा। हर एक क्रिया का फल मिलता है, सवाल नहीं। शुभ क्रिया का मिलेगा और अशुभ का। नहीं स्वामी जी, लेकिन बचपन से हम जैन परंपरा में बड़े हुए, जो भी साधु भगवंतों ने सब बताया तो पूरी क्रियाओं पर ही वेट डाला है, तो फिर हम वो क्रियाओं पर ही चल रहे हैं। अभी आत्मा का तो भान ही नहीं है ना। क्रिया जो शुभ क्रिया या धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, इसमें से एक भी क्रिया गलत नहीं है। मैं उसको गलत कहता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि क्रिया को, मन वचन काया की क्रिया को आत्मा के साथ मत जोड़ो, यही मेरा कहने का मकसद है। इनको बुखार आया है तो ये मेडिसिन लेगा, वो आत्मा का पुरुषार्थ है? आत्मा का पुरुषार्थ है? इनका वेट बढ़ गया तो चार दिन बुखार रहेगा, आत्मा का पुरुषार्थ है? इनको टेंशन हुआ तो वो ध्यान करता है तो आत्मा के लिए करता है? इनका मन घूम रहा है तो वो माला गिनता है, आत्मा का पुरुषार्थ है? आपके रोग की दवा करते हो और जोड़ देते हैं, नहीं समझ में आया मतलब क्या है? आपको मानने से आत्मा का, आत्मा की तरफ का पुरुषार्थ हो जाएगा? कुदरत का कानून आपकी मान्यता के मुताबिक चलता है, कुदरत का कानून अपने कानून के मुताबिक चलता है? और कानून सबके लिए क्या है और मान्यता सबकी? आप सब में तो बात तो समझ नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब यह है, हर समय जो हम अपने जीवन में ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हमको कौन से मार्ग में आगे जाना है, चाहे हमको संसार बढ़ाना है या धीरे धीरे संसार को समाप्त करना है, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। बाहर का संसार तो कंपलसरी खत्म होने वाला ही है, ये संसार की मैं बात करता जो ऑटो मोड फिनिश होता है, इसको फिनिश करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मगर जो अंदर संसार है, अज्ञानता का, राग द्वेष का, कसायों का, कर्म बंध का, वो संसार को मिटाना है, कम करना है या बढ़ाना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो हमको इस संसार से अगर मुक्ति पाना है तो ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा। व्यवहार सत्य जो है वो टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। इससे हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा, जो व्यवहार सत्य से ऊपर है। क्या है? व्यवहार सत्य से ऊपर है। व्यवहार सत्य तो सबकी अपनी अपनी संयोगों की मान्यता है। क्या है? मान्यता, संयोगों की मान्यता है। जो समय समय पे हम अपना व्यवहार या तो व्यवहार करने की दृष्टि समय समय पे बदलते रहते हैं,
मगर वो संजोगों के अधीन है। कैसा है? संजोगों के अधीन। वो दृष्टि से सिर्फ संसार बाहर का संसार चलता है, अंदर का संसार में जो राग द्वेष होता है वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमको ये दुनिया का व्यवहार सत्य से ऊपर जो सनातन सत्य है वो समझना पड़ेगा। व्यवहार सत्य से तो हम शरीर हैं, मगर सनातन सत्य जो कायमी सत्य है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कायमी सत्य से हम शुद्ध आत्मा है। ये बात को हर समय हर श्वास के साथ लक्ष्य में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम परमानेंट हैं। ये परमानेंट नहीं। अगर आपको महावीर के मार्ग को फॉलो करना है तो हर क्षण हर समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये लक्ष्य में रखना पड़ेगा। गोल गोल बातें नहीं चलेगी। ये शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है। क्या बताया? और जब कर्मों के भुगतान खत्म हो जाएगी, साधन को जला दिया जाएगा, तो हम साधन नहीं है ये मानना ही पड़ेगा कि नहीं। फिर इसके ऊपर प्रीति लगाओगे तो वो महावीर का मार्ग नहीं है। ये कर्मों के भुगतान का साधन है, पर किसने दिया है? कुदरत ने दिया है। हमारी मर्जी से? अगर हमारी मर्जी से मिला तो किसी को नरगति बोलते नहीं है, तो फिर क्यों जाते हैं? बोलिए, तो फिर क्यों जाते हैं नरगति में? क्यों जाते हैं? कर्मों की वजह से। कर्मों की वजह से। वो बॉडी भी कौन देता है? कुदरत। वो बॉडी कर्म देते हैं, मगर देने वाला कौन है? हमको तो मालूम नहीं है कि हमको तो मालूम है हमने कौन सा कर्म किया है। जिस कर्म को भोगना उसके हिसाब की काया मिल जाती है। अरे भाई, मैं क्या कहता हूँ कि आपने स्कूल में एग्जाम दिया, एक महीने के बाद रिजल्ट भी आपको मिलेगा, बराबर है? एग्जाम किसने दिया? आप। रिजल्ट किसको मिलेगा? आपको। और रिजल्ट देने वाले भी आप हैं। इनको सोचने दो, बीच बीच में मत बोलना, बोलो। हमें है क्योंकि हमारे जो इसलिए टीचर की जरूरत नहीं है, स्कूल में टीचर की जरूरत नहीं है। गाइड करने के लिए आके। अच्छा, वो रिजल्ट नहीं देते? रिजल्ट टीचर नहीं देते? टीचर तो खाली गाइड करता है। जैसे 100 बच्चे हैं, उसमें एक की 20 मार्क लेके आता है, 80 मार्क लेके आता है। मार्क कौन देता है? तो गाइड जैसा हमारा परफॉर्मेंस है वो मार्क देता है। कौन देता है? टीचर। हमारे परफॉर्मेंस कौन देता है? मैंने ये कहा एग्जाम आप जो सा मार्क्स कौन दे? आप क्यों इतना लंबा खींचता है? मेरे को समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आपकी बुद्धि से बाहर बात है। ये दुनिया के कोई व्यक्ति कहेंगे कि मार्क तो टीचर देते, इसमें क्यों इतना लंबा करते हो? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। टीचर तो क्या, उसको टीचर मार्क देते है कि नहीं? सिंपल बोलो, हाँ या ना बोलो। परफॉर्मेंस को देखता है। अभी वही बात परफॉर्मेंस मार देता है। आप लिखे हो, सही लिखे तो स्टॉप मार्क, कम लिखे तो। मेरा प्रश्न ये है कि आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपको मिलेगा, मगर मार्क कौन देते वो इम्पोर्टेंट है। वो चाहे तो 10 में से 6 भी दे सकते, 8 भी दे सकते, 2 भी दे सकते, मगर देगा कौन यह प्रश्न है। लिखा किसने वो मेरा प्रश्न नहीं है। तो इतना लंबा क्यों करते हो? अपनी बुद्धि को क्यों इतना मरोड़ मरोड़ करते हो? सिंपल बात को वो समझ में नहीं आता है। सीधी बात है, दुनिया के कोई व्यक्ति को पूछेंगे तो कहेंगे रिजल्ट कौन देगा? टीचर देगा, बराबर है कि नहीं? भी मैं नौकरी करूंगा, पगार कौन देगा? सेठी देगा? नहीं, वो तो मेरे काम पे देगा। मैंने क्या कहा? काम पे नहीं, वो देगा कौन? तो क्या सेठ नहीं देगा, काम पे देगा? मतलब काम के कौन मना करता है? देने वाले तो टीचर है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है, यहाँ कर्म हमने किए हैं,
भुगतान भी हम करेंगे, प्रश्न वो नहीं है। कर्म का फल कौन देगा वो क्वेश्चन है। यहाँ टीचर है स्कूल और कॉलेज में, तो यहाँ कर्मों का रिजल्ट कौन देता है, बोलिए। अभी कहे हम हमारा परफॉर्मेंस, वो तो याद नहीं है हमको, कौन देगा बोलिए। भगवान देगा, किसी को सुख देगा किसी को दुख देगा, अपनी मर्जी से ऐसे। जैसा कर्म किया वैसे उस अनुसार, तो उसका काम ही वही है, भगवान का काम है। किसी को सुख देना किसी को दुख देना कर्म के, वही उसका काम है। कुदरत अपने पिछले भाव के जो भी है कैलकुलेशन के साथ। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमको कर्म का पिछले अवतार के कर्मों का फल कौन देगा वो प्रश्न है, फल हमको मिलेगा वो प्रश्न नहीं है। एग्जाम हमने दिया है तो रिजल्ट हमको मिलेगा वो दोनों प्रश्न नहीं है, रिजल्ट कौन देगा वो प्रश्न है। तो यहाँ इसलिए एग्जाम्पल दिया कि यहाँ टीचर या प्रोफेसर देते हैं, तो यहाँ कौन देते हैं वो आप बताओ, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपके दिमाग में मालूम हो जाए कि मेरा प्रश्न क्या है। अगर ये आपका प्रश्न ये बात नहीं बताऊंगा तो ये उत्तर आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए पहले मैंने लौकिक एग्जाम्पल दिया, बाद में मेरे आपको ये एग्जाम्पल पूछा कि कर्म भी हमने किए हैं भुगतान भी हम करेंगे, तो यहाँ टीचर रिजल्ट देता है प्रोफेसर देता है, यहाँ कौन देता है। कुदरत ये सबको तो मालूम नहीं है ना, मैं तो आपसे पढ़ा हुआ तो ये याद तक अभी तक पहुंचे नहीं, ऐसा सुनने का इनको कोई चांस नहीं मिला, इसलिए तो आपको यहाँ विराजमान किया है। थोड़ा हम जवाब दे, घबर जा रहे हैं, आप नाराज ना हो जाए। राजी नाराज का क्या मतलब, अगर आप कोई गलत भी बोलेंगे तो हम इसको सही करेंगे, मगर उत्तर तो देना चाहिए क्योंकि जो हमारे समझ है वो आपके फर्ज है। उत्तर देश का कोई दराज का जवाब नहीं है, कोई नंबर नहीं है और कोई सही जवाब दे तो कोई मतलब गिफ्ट नहीं दे, कोई नहीं लाया, गिफ्ट भी नहीं लाया। देखो आज तक हमारे समाज के अंदर हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो प्रवचन ही करते रहे और हम जी हाँ करते रहे, चाहे आप खुली है बंद है, मगर हाजी हाँ बोलने का दिमाग यहाँ है या बाहर है, हाजी हाँ करने का, क्योंकि आप समझते हैं सुनते हैं मानते हैं, इसके लिए आपके पास कोई टेस्ट तो है नहीं, एक घंटा बैठो बाद में प्रभाव ना लेके घर पे चले जाओ बस, आपने क्या सुना वो तो जरूरत नहीं है, आपने क्या सुना वो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछने वाला यहाँ तो मैं पूछूंगा तो फिर आपको मालूम होगा, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ झोंका खाऊंगे चलेगा नहीं, यहाँ आपका दिमाग घर में चला जाएगा तो फिर वापस खींच के लाऊंगा, क्योंकि तो जैसा प्रश्न करूंगा आपको यहाँ आना ही पड़ेगा माइंड के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं कभी प्रवचन करता उपदेश देता, मेरा काम प्रश्नोत्तरी है, या आप प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर दूंगा या मैं प्रश्न करूँ तो आप उत्तर दूंगा, मगर यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आपको प्रश्न करना है तो मैं उत्तर दूंगा या तो मैं करूंगा तो आपको देना पड़ेगा, और कोई रास्ता यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने प्रवचन तो बहुत सुने हैं, क्या बताया, और हमारा दिमाग चौपड़ी हो गया, क्या हो गया, हाँ, मगर चौपड़ी में से कई बार निकलता नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो मतलब क्या रहा, जो बातें जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में नहीं आती है वो बातें क्या काम की, जो बातें जीवन में प्रैक्टिकल में काम में नहीं आती वो बातें क्या काम की, प्रैक्टिकल में तो आना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने जीवन में यही समझना चाहते हैं कि आखिर हम इस जीवन में क्या पाना चाहते हैं,
क्या पाना चाहते हो? बोलिए जिनको भी आप इच्छा बोलो जितना। मेरा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर किताबों का ज्ञान जरूरी है, ऐसा प्रश्न मेरा नहीं होगा। मेरा हर प्रश्न आपकी लाइफ के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होगा, और इसीलिए आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है वो प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रश्न कभी किताबों का नहीं होता है, बिल्कुल आपके जीवन के प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है, वही मैं बात करता हूँ। मैं चौपड़ी की बात नहीं करता हूँ, और इसीलिए आपने चौपड़ी पढ़ी है कि नहीं वो मेरा भी प्रश्न नहीं है, वो मेरा सिलेबस नहीं है। क्या नहीं है? तो इसीलिए आपने पढ़ा है कि नहीं वो मेरा प्रश्न, और उसमें से मैं प्रश्न करता भी, मैं आपके प्रैक्टिकल जीवन का प्रश्न करूंगा। क्या बताया? प्रैक्टिकल जीवन का। तो आपको इस जीवन में क्या क्या पाना चाहते हो? बोलिए, बहुत डिफिकल्ट है। जिसको भी आप बोलो सर, स्वीट बोलती। हमको इस जीवन के बंधन से छूटना है। वैसा रास्ता बताओ आप। कार्य करते हैं वो वैसा होना चाहिए, इसे इसे बंधन से छूटे। और अभी तक नहीं मिला? नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहे हैं उसके रास्ते। कितना कितना? 5%, 10%? क्या पाना है जीवन में से? ये जीवन का मकसद क्या है? सुख चाहिए। किसी की कॉपी मत करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, किसी का नहीं। सुख चाहिए। अभी तक कितना मिला? अभी तक तो शुरुआत नहीं हुई, ऊपर जाने के बाद शुरुआत हुई। जो पाना चाहते हैं इसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, इसको प्रयास बोलेंगे। अगर हमको यहाँ से बम्बई जाना है तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो माइलेज तो कम होगा ना। तो आपने कहा मेरे को सुख पाना है, इतने साल में कितना पाया तो मालूम नहीं। तो ये कोई उत्तर है? ये कोई रास्ते पर चलने का? अगर रास्ते पर चलते तो आप माइलेज तो बताओगे ना, मगर वो भी नहीं है हमारे। किलोमीटर चले 50 चले तो कोई नहीं है। कैसे हम अपने मार्ग पर चलते हैं इसका भी बैरोमीटर नहीं है। कोई एथिक जैसी, प्रिंसिपल जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे पास। सब रैंडम, सब रैंडम। कोई स्ट्रेटेजी, कोई पॉलिसी, कुछ भी नहीं, सब रैंडम। तो ये मेरा कहने का मतलब ये, अपने जीवन में अगर सच्चाई को समझना है तो ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और सनातन सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ, और शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है, और ये शरीर कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाता है, और कुदरत ही इसका अंत लाता है, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं। तो जो हम नहीं हैं, हम चलाते नहीं हैं, हम श्वास भी नहीं ले सकते, इस शरीर के ऊपर हमारा मालिकी हक कितना है? और हम हक के बिना जीते भी नहीं है, हक भी नहीं है और हक के बिना हर समय यही है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, वो 24 आवर्स है, और हमारा कोई अधिकार भी उसके ऊपर, दोनों बातें कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। जो हम नहीं है उसके लिए क्या हम सोच सकते? सोचेंगे? तुम पड़ोसों के लिए सोचते क्यों नहीं सोचते? क्योंकि तुम नहीं। और ये नहीं है फिर भी सोचते, बोलते नहीं। देखो सब उल्टा सुलटा। महावीर तारा मारग थी अमे लाखों जो जंतु, तू वितरागी अने अमे हटरागी। ये जैन धर्म का स्तवन है,
शायद आपने नहीं सुना है तो नहीं मेरे को मालूम, गुजरात के अंदर पॉपुलर है, हर धार्मिक फंक्शन में ये भजन गाते हैं, ये स्तवन गाते हैं। स्तवन तो समझते हैं ना, आप जैन है तो ठीक है, मतलब वो भी नहीं मालूम शायद किसी को। यहाँ सब लोग बैठे जैन है और अभी शासन किसका है, एक एक व्यक्ति बोलो, और तुमको मालूम है तो मौन रहो। तो मैं किसी दूसरे को पूछूं, जिसको पढ़ाया है इसको उत्तर देने की जरूरत नहीं, जो पढ़ रहे हैं जो जैन है इसको मालूम है कि नहीं, वो जानने के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मैं जवाब सुनने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। उनको जानकारी है कि नहीं इसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जैन है तो जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बराबर है, तो अभी शासन किसका है, बोलिए। और ये महावीर के शासन का रखेवाल कौन है, मालूम है? महावीर के शासन के रक्षक देवी, एक मिनट, रक्षक देवी देवता होते हैं हर मार्ग के, आपको मालूम है या नहीं है? सभी तीर्थंकर भगवान के रक्षक देवी देवता होते हैं, वो मालूम है? पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम है? पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम है? तो है कि नहीं, रक्षक देवता होते हैं, आपको मालूम है? तीर्थंकर भगवान के रक्षक, मैंने तीर्थंकर का ही प्रश्न किया और किसी का नहीं किया मैंने, आप किसी को मालूम है? आप समझे, भगवान महावीर का शासन, भगवान कहाँ गए, तो इसका शासन कौन चलाएगा? फिर आप बोले इनको सोचने दो ना, ये जैन है, अजैन का प्रश्न नहीं है मेरा, जैन को तो जैन की बात मालूम होनी चाहिए ना, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा घर चलता है तो घर चलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए? अगर यहाँ स्थानक है तो सायंग चलाने वाला चाहिए कि ना चाहिए? तो अगर शासन महावीर का है तो महावीर तो मोक्ष में गए, तो शासन कौन चलाएगा? हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं, वही नहीं समझ में आता है, शासन तो चलेगा, कौन चलाएगा? उनके जैसे गंधर्व या जो भी हैं, वो होते हैं आगे से आगे बताते जाएंगे, तो उसको चलाते रहे, नाम का कार्य है ना। जैसे गौतम स्वामी ने यहाँ बताया बताते बता आचार्य तक आ गया, तो उनका शासन तो उनको ही चलाना है। शासन का चलाने वाला रक्षक देवी देवता होता है कि नहीं होता है? होते हैं। तो शासन वो चलाएगा या आम आदमी चलाएगा? वो चलाएगा, आम आदमी कैसे चलाएगा? पहले आपने बताया कि उनके गंधर्व वगैरह, तो वो आम आदमी हो गए, आप साधु कहोगे आचार्य कहोगे, वो सब आम आदमी हो गए, वो देवी देवता नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि आम इंसान चलाएगा या देवी देवता चलाएगा? तो हर बात के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि गोल गोल चाहिए? और मेरा प्रश्न सिंपल है कि टेढ़ा मेढ़ा है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, कि प्रिलिमिनरी करता हूँ, प्राइमरी करता हूँ, ये प्राइमरी क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है? तो महावीर का जो शासन है उनके रक्षक देवी देवता होते हैं, और वो शासन चलाएंगे कितने साल तक? 21,000 ईयर। अभी यस बोलेंगे। और महावीर भगवान के शासन रक्षक देवी देवता का नाम क्या है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं? महावीर भगवान के शासन रक्षक देवी देवता का नाम क्या है? जिसको आता है वो उत्तर दे सकते हैं।
और नहीं देते हैं तो नहीं आता है, वो मालूम हो जाएगा आपको। नहीं, जिसने बार बार सुना है उनके लिए नहीं है एग्जाम। जो जैन कहता है कि मैं जैन हूँ, इसको ये ज्ञान होना चाहिए, ये प्राइमरी ज्ञान है, यह हाई लेवल का ज्ञान नहीं है। ये देश है, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये ज्ञान होना ये देश के नागरिक को जरूरी है। यह हाई लेवल का ज्ञान नहीं है, यह प्राइमरी ज्ञान है। तो ये शासन महावीर का है, तो महावीर के शासन का रक्षक देवता कौन है, वो हर जन्म को मालूम होना आवश्यक है। वो हाई लेवल का ज्ञान, वो प्राइमरी ज्ञान है। नहीं मालूम? नहीं। बोलिए, किसी को भी नहीं मालूम? अभी कैसे जैन कहेंगे? महावीर भगवान के रक्षक देवी देवता का नाम है मातंग यक्ष और सिद्धायिका देवी। जहां भी महावीर भगवान का मंदिर होगा, ये रक्षक देवी देवता होगा ही। पार्श्वनाथ भगवान का जैसे धर्मेंद्र और पद्मावती है, ऐसे महावीर भगवान का मातंग यक्ष और सिद्धायिका देवी है। मैं समझता हूं कि कम से कम अभी बाकी के जीवन में तो याद रहेगा, अभी बाकी के जीवन में याद रहेगा कि फिर भी भूल जाओगे, वो भी आधा आधा रहेगा। जो पहले नहीं मालूम था तो इतना तो कहेंगे कि हाँ कोई दे तो है, बोले नाम नहीं मालूम। कितनी कैसी है हमारी टर्म बना, भूल जाते सुनते फिर भूल जाते, वो यहाँ बैठे हैं तो याद है फिर भूल जाते। वही तो मैं कहता हूँ, हम नाम ही नहीं भूलते अपना, बाकी सब भूल जाते। सब सुन के आते वही भूल जाते, घर जाने गए तो चलो चलो घर चलो देर हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जीवन में सच्चाई को समझना है अगर हमको वास्तव में अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो जिज्ञासा चाहिए। क्या चाहिए? मगर आज मैंने कहा कि लोगों को जो क्रियाकांड में जो इंटरेस्ट है, और इसीलिए किसी को भी वितरागों के मार्ग का जो तत्व ज्ञान है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना इस कलयुग में, इस काल के अंदर ज्यादातर लोगों के लिए असंभव हो गया है। क्या हो गया है? सिर्फ टाइटल बाकी रह गया है। क्या रह गया है? टाइटल। मगर टाइटल में से हर माल निकल गया है, टाइटल रहा है। जैसे दुकान का टाइटल रहा रमेश ट्रेडर्स, मगर कोई माल नहीं बोलते नहीं है। ये महावीर का मार्ग वो टाइटल रहा बोर्ड, मगर साधन सब निकल गए, ऐसी बात है। और इसीलिए हमारे जीवन में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सच्चाई, जो वास्तविकता है, जो वितराग पुरुषों ने, जो मुक्त पुरुषों ने अपने जीवन में समझने की जो कोशिश किया, वो हमको भी समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझे तो आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है। वो ये कलयुग है,
और कलयुग गिरता हुआ है, तो आज से कल अच्छा आने वाला नहीं है, कल से परसों अच्छा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये काल कैसा है? तो इसीलिए जो हम आज की हमारी क्षमता है उससे कल क्या होगी? तो जितनी क्षमता आज है, हो सकता है अगर हमको सही मार्ग में जाना चाहते हैं तो आज इस क्षमता के साथ हम जा सकते हैं, फिर और क्षमता कम होगी और संजोग खराब होंगे, फिर हम जाना चाहेंगे तो भी नहीं जा सकते, आप समझे। तो हमको जहाँ तक कुदरत ने अपने ही कर्मों के वश जहाँ तक अच्छे संजोग दिए हैं, वो ही संजोग को अगर हम उसी संजोग को लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, सांसारिक लाभ नहीं आध्यात्मिक लाभ, संसार में तो लाभ जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्या बताया? कोई चीज है ही नहीं संसार में लाभ जैसी, अगर लाभ संसार में होता तो महावीर सन्यास नहीं लेते, बोलते नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ। अगर संसार के अंदर लाभ होते तो वो क्यों छोड़ते? उनको भी मोक्ष में जाना था, अगर संसार में लाभ होता तो संसार में ही रहते, बराबर है कि नहीं? मगर संसार में कोई सार है नहीं। और वही ज्ञान पाने के बाद उन्होंने देखा कि आखिर मेरे को इस संसार से अगर मुक्ति पाना है तो मेरी दृष्टि में से हर प्रकार का अज्ञान रूपी मोह निकालना पड़ेगा। कैसा मोह? अज्ञान रूपी मोह, जो मैं नहीं हूं इसको मैं मानना, वो सबसे बड़ी अज्ञान है, वो सबसे बड़ा अज्ञान, जो मैं नहीं हूं इसको ही मैं मानूं। अगर शरीर में नहीं हूं तो नहीं हूं, इसको तो जलाना एक दिन सुनिश्चित है और मैं जलने वाला नहीं हूं क्योंकि पुनर्जन्म होने वाला है, तो अगर यह मैं होऊंगा तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? बोलिए। तो हम परमानेंटली आत्मा है के शरीर है और जीते हैं शरीर के। यही तो बात है, मैं हूं चंदूलाल मगर जीता हूं मगरलाल की तरह। मैं हूं आत्मा मगर जीता हूं नामधारी की तरह। देखो ये अज्ञान है कि नहीं? क्या ये अज्ञान से प्रगति हो सकती है? हो सकती है? आत्मा का प्रमाण तो हजारों है, आत्मा का प्रमाण हजारों है, एक थोड़ी है। आप अभी जिंदा हो तो बॉडी के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से बोलते नहीं है। नहीं, अगर आत्मा निकल गया तो लाइफ इज देयर, लाइफ, अगर आत्मा निकल गया तो कुछ नहीं, बॉडी तो रहेगा ना। देखिए बॉडी डीके था मन से, डेथ ऊपर बॉडी डीके था मन से। नहीं, किसी के बॉडी में से आत्मा निकल गया तो उस समय बॉडी में क्या फर्क होता है? एट दैट टाइम नहीं, पहले आपका प्रश्न था कि आप आत्मा को प्रमाण दो। yes. तो मैं आत्मा के प्रमाण की बात करता हूँ, आत्मा और शरीर के लाइफ की बात नहीं करता हूँ। right. पहले आत्मा का प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि आत्मा का अस्तित्व है तो ही बॉडी का अस्तित्व है, आत्मा नहीं है तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा इज इक्वल टू लाइफ नहीं, आत्मा इज इक्वल टू चेतन,
वो चेतन नहीं है तो जड़ की कोई कीमत नहीं है, मगर चेतन है, उनकी हाजिरी है तो जड़ की कीमत है। ये मोबाइल है, अगर पावर नहीं है तो मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। अगर इसमें से बैटरी बिगड़ गई बैटरी, तो ये मोबाइल आपका लाख रुपए का है तो भी कोई कीमत नहीं है। क्यों? मोबाइल तो लाख रुपया का है और बैटरी की कीमत 5000 रुपया है, मगर वो नहीं चलती है तो मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। जस्ट टू टेक माय ओन एग्जांपल, पत्थर यहां पे, पत्थर में कोई आत्मा नहीं होती है, मतलब कि पत्थर होए रॉक एमा कोई आत्मा ना हो, पत्थर आत्मा है, पत्थर का एग्जांपल क्यों दिया, मैंने समझ नहीं आया। मंदिर में जाती है वो वाला एग्जाम्पल दे दिए तो उन एज इट इज समझ जाएंगे कि पत्थर तो एक बहू शादी करके आई परिवार के अंदर, सुबह होते ही सासू और बहू किचन में गए, सास ने कहा हमारे घर के अंदर रिवाज है कि सबसे पहले स्नान करके नहा धो के मंदिर में जाना है, मंदिर में दर्शन करके ही हम किचन में अपना काम शुरू करते हैं, ये हमारा रिवाज है। क्या है तो बहू तो पढ़ी लिखी थी, मगर उन्होंने कहा कि भाई हमारा जिस घर में मैं आई हूँ तो इस घर का जो रिवाज है तो मैं उसको पालन करूँगी। तो सास और बहू पैसे वाले थे तो वो गाड़ी लेके मंदिर तक गए, मंदिर में गाड़ी, मंदिर के पार्किंग में गाड़ी को पार्क किया और सास और बहू दोनों मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर की ओर जा रहे थे तो करीब मंदिर के जो द्वार है उनके पगडंडी है उसके करीब 30-40 फुट दूर थे, तो दूर से देखकर बहू ने मंदिर में आने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कि मैं मंदिर में नहीं आऊंगी। तो सास ने पूछा कि क्यों घर से यहाँ तक आई, अभी मंदिर में जाने के लिए मना क्यों करती है? तो बोला देखो सासू जी, ये जो दिखता है ना सामने वो बड़े बड़े शेर दिखते हैं, क्या दिखते हैं, तो मैं डर के वहाँ नहीं आ सकती हूँ। तो सासू जी ने कहा अरे पगली, ये तो पत्थर के है, कुछ करते हैं नहीं है। तो सासू, तो बहू ने बोला सासू जी आपने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया। फिर सासू और बहू कहाँ जाता है, मंदिर में जाते हैं। फिर मंदिर में बहू आगे हैं और सास पीछे हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, घंट लगा के फिर प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते समय सासू तो प्रार्थना करते हैं और बहू को कहती है कि भाई तू पहली बार आई है तो जो मांगना है वो मांग ले, ऐसा सासू ने बहू को कहा। तो फिर आगे से बहू ने सासू को कहा आपने अभी तो कहा कि पत्थर का कुछ नहीं करते हैं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, पत्थर कुछ है नहीं तो कैसे, ये पत्थर क्या करेगा, ये पत्थर क्या करेगा, नहीं समझ में आया। बहु बोले ना सासु को कि ये तो पत्थर है, आप तो बोल रहे कुछ भी नहीं करेगा पत्थर, तो ये पत्थर क्या करेगा। हाँ तो फिर आपको समझ में क्या आया? बोलिए, समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ आया बोलो, जवाब दे, नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। हम यही करते हैं ना, सास बहू जैसा ही करते हैं,
बाहर के लाइन को मानते कुछ नहीं करेंगे, अंदर का तो करेगा ही। यही विटंबना है भैया। और बच्चे लोग कहते हैं कि ये मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, ये बात तो बराबर करते हैं, मगर उल्टी सुल्टी करते हैं। बाहर का नहीं करेगा, अंदर का करेगा पत्थर। ये कैसा कमाल का है। बच्चे लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे मगर स्वीकारेंगे कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। वही मार्बल, यही मार्बल है। बाहर जो लाया है वो भी मार्बल है और अंदर मूर्ति है, वो भी एक ही मार्बल है। बनाने वाला भी एक है, क्या अलग है? देखो चलता है। देखो सिर्फ मान्यता बराबर के नहीं, के वास्तविकता है। कबीर तो क्या कहेंगे कि मूर्ति जो है वो तो शिल्पकार ने बनाई है, तो भगवान तो हमने बनाए ने, बनाए भी हमने, बिठाया भी हमने, पूजा भी हम करेंगे, आरती भी करेंगे, और समय आएंगे तो उसको चेंज भी हम भी कर देंगे, तो भगवान के मालिक तो हम हो गए ने। जो हमने बना वो हमारा काम करेगा। समझ में नहीं आता कुछ। जो बनाया भी हमने, मानते भी हम हैं, हटाते भी हम हैं, और काम भी वो हमारा करेगा। एक वो सिर्फ ही कहा बोल दो भगवान बड़े अच्छे। एक बार बोल दो। हमने कबीर जी ने क्या बोला कि मैं जानू हरी दूर है, हरी हृदय के माही, आड़ी ताटी कबड़ की ताजा दिसत नाही। तो सच्चे भगवान तो अंदर होते हैं और ढूंढते हैं बाहर, वही तो तकलीफ है। ये वो मूर्ति का अंदर बोल रहे, मूर्ति का बड़े हैं भगवान बड़े हैं। तो एक बार एक शिल्पकार था, शिल्पकार समझते हैं, शिल्पकार, शिल्पकार समझते हैं। तो शिल्पकार भगवान को चैलेंज करता है, क्या करता है कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूं। क्या कहा शिल्पकार ने? क्या कहा? मैं तुम्हारे से बड़ा हूं। ऐसा भगवान को चैलेंज किया। तो भगवान ने कहा तुम मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है, तूने तो मैंने बनाया, बराबर है कि नहीं? भगवान क्या कहते हैं? तुमको तो मैंने बनाया, तू मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? तो शिल्पकार कहते हैं भले आपने मेरे को बनाया है, फिर भी मैं आपसे बड़ा हूं, फिर भी आपसे बड़ा। तो भगवान कहता है मैंने बनाया फिर भी बड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कि देखो तुम जिसको बनाते हैं वो नीचे आके झगड़ते हैं, और मैं जिसको बनाता हूँ लोग इसको वंदन करते हैं, बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया? तुम जिसको बना के भेजते हैं वो झगड़ते रहते हैं, और मैं जिसको बनाता हूँ लोग वंदन करते हैं, तो तुम बड़े या मैं बड़ा? बोलिए, समझ में आया? ऐसा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन के अंदर अगर हमको वास्तव में सही मायने में वितरागों के मार्ग पे आगे चलना है, तो वितराग की बात यथार्थ समझनी पड़ेगी। गोल गोल समझने से कोई फायदा? समय तो निकलता जाएगा, जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा, और हम दिन ब दिन कलयुग के आधार से गिरते रहेंगे, इसमें कोई प्रगति। एक दिन तो सच्चाई समझनी पड़ेगी। अज्ञानता के साथ हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं। आप समझे?
तो ऐसी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा अज्ञानता क्या है वो समझने की कोशिश करो। पहली अज्ञानता ये है कि मैं शरीर हूं, मैं ये पहली अज्ञानता को खत्म करो, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा। समझ में आया? आया? मैं शरीर नहीं हूं, ये पहली अज्ञानता। दूसरी अज्ञानता है ये शरीर मशीन है, ये मशीन को कुदरत ने बनाया है, कुदरत ही चलाते हैं और इसका अंत भी कुदरत लाते हैं। ये मशीन कुदरत ने दिया है, पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूत किसके हैं? और पंच महाभूत किसके हैं? पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, ये किसके हैं? पंच महाभूत इसे शरीर बनावा किसका है? तो ये कुदरत का है रो मटेरियल, तो ये साधन का मालिक भी कौन? और हम मालिक बन गए, है कुदरत का और मालिक। सही है गलत है? नहीं, हम मालिक बन गया, सही है गलत है? हाँ, तो मैं वही पूछता हूँ आपको, तो आप बने कि नहीं बने? तो अभी गलती चालू रखनी है, वो गलती चालू रखनी है, बंद करनी है? ठीक है, तो पहले ये शरीर मैं हूँ ये गलती स्वीकार हो। दूसरी बात, अगर ये मशीन को तो कुदरत ने बना दिया पंच महाभूतों से, फिर ये मशीन को 60, 70, 80, 90 साल तक जीवित रखता है, वो भी कुदरत रखता है। कैसे? हवा, पानी, खुराक देके। हाँ या ना? हवा, पानी, खुराक किसका है? हवा, पानी, वनस्पति किसका है? तो कुदरत का ये मशीन है, पंच महाभूतों से बना है और जिंदा भी वही रखता है। तो ये कुदरत का बनाया हुआ मशीन है, ये चलाता भी कौन है, इसको जीवित कौन रखता है? कुदरत रखता है। ठीक है, और इसको जीवित रखते हैं तो कर्मों के भुगतान का संजोग कौन देता है? कुदरत। हमारा पॉकेट कटा तो किसने काटा? संजोग हमने खड़ा किया। बिजनेस करते हैं लॉस हुआ, संजोग किसने बनाया? हम चलते चलते गिर गए, पांव टूट गया, संजोग किसने बनाया? हम पैदा होते ही माता पिता मिला, संजोग किसने बनाया? तो शरीर भी कुदरत का, शरीर को जीवित भी कुदरत रखता है, कर्मों के भुगतान का संजोग भी कुदरत देता है, लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? तो इसमें हमारे पास कौन सी जगह पूरी लाइफ में शरीर चलाने की फ्रीडम कहाँ है हमारे? कुदरती चलाती है। हमारी फ्रीडम कहाँ है? नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। फिर भी कहता है मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैंने किया, आपने बोला, आपने किया, वो क्यों कहते हैं हम? तो वो निकालना है कि रखना है? निकालना मतलब बिना जाने जाने तो आज मैं दिखाने के लिए आयोग अज्ञान क्या है, वो जानोगे तो निकालोगे, जानोगे नहीं तो इसको ही ज्ञान मानोगे तो निकालोगे, इसको अज्ञान मानोगे तो निकालोगे नहीं। तो ये दूसरा अज्ञान है, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ,
ये जो शरीर भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, ये सब अज्ञान है। इस शरीर आत्मा की हाजिरी से और कर्म फल के आधार से, आयुष्य कर्म के आधार से चलता है, मगर हाजिरी किसकी? आत्मा की। और चलाने वाला कौन है? कुदरत है। ये दुनिया जो चलती है, ये दुनिया चलती है पूरी सृष्टि, वो सूर्य नारायण की हाजिरी से चलती है, हा या ना? अगर सूर्य नारायण नहीं होता है तो जीवन सृष्टि हो सकती है? सूर्य नारायण की हाजिरी से चलती है दुनिया, मगर सूर्य नारायण चलाता नहीं है। हाजिरी से चलती है वो चलाता नहीं, उनकी हाजिरी में, इनके प्रकाश में अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष करेगा, कसाय करेगा, क्रोध मान मायालोभ करेगा, तो उनको ही फल मिलेगा, सूर्य को नहीं मिलेगा, भले उनकी हाजिरी से दुनिया चलती है, हा या ना? ऐसे आत्मा की हाजिरी से यह शरीर चलता है, मगर शरीर को आत्मा कौन चलाता है? दिमाग में थोड़ा बैठा कि नहीं बैठा? आत्मा की हाजिरी है, आत्मा चलाने वाला नहीं है। हम सब ये मानते हैं कि ये जो पंखा है फैन, वो इलेक्ट्रिक से चलता है, ऐसा हम मानते हैं। ये लाइट इलेक्ट्रिक से चलती है, ये एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक से चलता है, और हीटर भी बराबर है। तो पावर ठंडी गर्मी देता है, बोलिए आपको उत्तर देना है। पावर अंधेरा उजाला देता है, बताओ मेरे को उत्तर दो अभी आप। एक पावर में से ठंडी आती है, एक पावर में से गर्मी आती है, तो पावर का काम है? मशीन का। पावर उसके गुण को प्रकट कर देता है। किसके गुण को? जिस मशीन का जो गुण है उसको प्रकट कर देता है। किसकी हाजिरी में? क्या पावर नहीं है? पावर स्विच क्या करती? ये पावर है और मशीन बिगड़ जाए तो फिर बाद में फिर पावर है तो भी नहीं चलेगा क्यों? अभी तो आपने बोला कि लाइट ऑन करेंगे तो चलेगा, फिर मशीन की क्या जरूरत है? देखो है ना, छोटी छोटी बातें समझ में है, इसीलिए मैंने कहा है साइंस समझने की जरूरत है। जल्दी नहीं आती। ये बॉडी भी कुदरत चलाती है, मगर हाजिरी किसकी? और कुदरत क्यों चलाती है? कर्मों के फल स्वरूप। मगर आत्मा उसके लिए जिम्मेदार नहीं। सूर्य नारायण भी उनकी प्रकाश की हाजिरी में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पॉकेट काट ले उनके लिए सूर्य नारायण जिम्मेदार नहीं। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान देंगे उसके लिए भी सूर्य नारायण को पुण्य पाप भी नहीं बनेगा, और मगर उसकी हाजिरी के बिना होगा भी नहीं। ऐसे आत्मा की हाजिरी के बिना शरीर चलेगा भी नहीं, और आत्मा शरीर चलाता भी नहीं, और जिम्मेदार भी नहीं। Now you understand? नहीं समझ गया? आत्मा जिम्मेदार नहीं है, जो भी कर्म होता है। हाँ, क्यों होगा? उसकी प्रेजेंस में होता। हर व्यक्ति धर्मों में यही सिखाया जाता है, मेरा आत्मा पापी है, यही सिखाता है। कितना ब्लंडर, आप समझे ना? आत्मा पापी, तुमने कर्म गलत किए तो भुगतान गलत करते हो तो आत्मा पापी हो गए। आत्मा ने पाप किया है क्या? जय सच्चिदानंद। तो इसीलिए मैंने कहा हर बातों को समझना पड़ेगा।
हर बातों को। तो हम ये बात नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और इसीलिए हम आज तक यही अज्ञान के मार्ग में ही आगे बढ़े। और अज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने से सही प्रगति हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये भाई साहब ने प्रश्न किया कि भी आत्मा का प्रूफ बताओ, आत्मा का है वो एविडेंस बताओ। मैंने कहा अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है, एविडेंस है कि नहीं? आत्मा नहीं है तो आप श्वास ले सकते हैं, आत्मा नहीं है तो सोच सकते हैं, आत्मा नहीं है तो बोल सकते हैं, आत्मा नहीं है तो क्रिया कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। आप देखो आत्मा नहीं है तो दुनिया है आपके लिए, बॉडी के लिए दुनिया है, आत्मा है तो दुनिया है। ये आत्मा निकल जाएंगे बॉडी रखो, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हर बात में सेंटर क्या है? और इसे को ही हम भूल गए। दूसरा एग्जाम्पल कि ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, मगर आत्मा अविनाशी है और शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोग भी, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी, और आत्मा अभी जो अविनाशी है उसकी कीमत 1 लगा दो। एग्जांपल, आत्मा की कीमत 1 मतलब कभी 0 नहीं होगी क्योंकि वो अविनाशी है, और बाकी सब विनाशी की चीज 0 क्योंकि आज है और कल, इसलिए उसकी कीमत 0। और आत्मा की कीमत जो कभी 0 नहीं थी और होगी भी नहीं। तो ये शरीर का अगर एग्जांपल लेंगे तो आत्मा की वैल्यू 1, शरीर की वैल्यू 0, संबंधों की वैल्यू 0, साधनों की वैल्यू 0, सत्ता की वैल्यू 0, संपत्ति की वैल्यू 0, डिग्री की वैल्यू 0, जो कुछ भी दुनिया में इसके नाम पर है सबकी वैल्यू 0 और आत्मा की वैल्यू 1 की 1 रहेगी। मगर 1 के बाद 0 तो फिर 10, उसके बाद 0 तो 100, फिर 0 तो 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, क्योंकि आगे क्या है 1 और बाद पीछे क्या है 0। मगर आगे 1 होने से 0 की वैल्यू हो गई, और जब 1 निकल गया तो 0, तो पूरी लाइफ हम 1 की वैल्यू करते हैं 0 की, और साथ में क्या आता है 0। यही तो हमारी बुद्धि है, यही बुद्धि है ना हमारी, हम कितने क्लेवर हैं। यू अंडरस्टैंड, हम 0 की वैल्यू करते हैं, 1 की करते नहीं है, और साथ में 0 ही आएगी। तो वैल्यू किसी करनी चाहिए, पर करते हैं 0। तो अज्ञान तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि गोल गोल चलेगा, यही बात है। समझ में आया? आत्मा नहीं है, मैं प्रूफ देता हूं, आत्मा नहीं है तो इस दुनिया में सुख हो सकता है? थिंक अबाउट, नहीं सोच, पहले उत्तर देने की जल्दी मत करो, सोचो पहले। आत्मा नहीं है तो सुख हो सकता है? आप किसको सुख कहेंगे? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मनी, मकान, मटेरियल किसको कहेंगे? अगर आत्मा को छोड़ दो सुख किसको कहेंगे? मगर आत्मा नहीं है तो इच्छा भी नहीं है, तो आत्मा के बिना सुख कहाँ है दुनिया में, वो मेरा प्रश्न है। बोलते ना जब तक सांस है तब तक आस है, शादी करने के बाद जब तक सांस है जब तक आस है, वो तो सांस है तभी तो बीवी मिलेगी, वही तो आस है।
ऐसा नहीं है, कहने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया के अंदर अगर किसी चीज में सुख मानते हैं, किसी भी चीज में, ये पांच इंद्रियों से या बुद्धि से, हम कोई भी चीज में सुख मानते हैं, ठीक है, मगर इसमें सुख है, प्रश्न मेरा है, आप मानते हैं मगर है जरूर, है सही है, मानते तो सुख मिलता नहीं है, तो फिर इसकी वैल्यू जीरो क्यों है? अज्ञान का नहीं, पर वास्तव में है। स्वामी जी, मोमेंट टू मोमेंट अपन सुख मिले पोर्शंस में, कि आज आप कोई चीज पूर्ति करी अने अपन एनो लाभ मिली गयो, तो दैट पैकेज इज अ हैप्पीनेस सेंस ऑफ दैट इन एब्सेंस ऑफ सोल। फिर बात आ गई यहां से, यहां पकड़ना तो पड़ेगा आपको। आप एक एग्जांपल मेरे को दो कि आत्मा के बिना भी ये चीज सुख का अनुभव कर सकती है, ऐसा एक एग्जांपल बता दो। ये मकान सुख का अनुभव कर सकते हैं? डायमंड कर सकता है अनुभव? गोल्ड करता है? सिल्वर करेगा? एयर कंडीशन करेगा अनुभव? ये कार करेगी? क्यों नहीं करेगी? तो आत्मा के अंदर ही अनंत सुख है, इनबिल्ट। क्या बताया? इनबिल्ट। मगर भ्रांति से, अज्ञान से हमने बाहर सुख ढूंढने का बुद्धि और इंद्रियों से प्रयास किया और कहीं अवतारों से भटक रहे, और भटकने के बाद भी नहीं मिलता है क्योंकि है नहीं, क्योंकि है नहीं। बोला मेरे पास 100 करोड़ हो गया, फिर हम कहेंगे आप सुखी हो गए? बोला नहीं, अभी विश्वास बंद हो जाएगा तो 100 करोड़ तो रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। तो बोला आपका नहीं, नहीं बाद में, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो बोला मेरा था ना 100 करोड़, तो क्यों? ठीक है, श्वास चलेगा तब, बाद में नहीं, मनी तो वही रहेगा, एफडी भी वही रहेगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, बराबर ना? बिल्कुल। मकान भी ये रहेगा मगर नाम चेंज हो जाएगा। देखो तो शरीर की वैल्यू है कि आत्मा की? आत्मा। और करते हैं शरीर। देखो आत्मा के अंदर ही अनंत सुख है, वो हजारों ज्ञानियों ने खुद ने अनुभव करके बताया, मगर क्योंकि ये दुनिया में हर समय सतयुग या कलयुग में मेजोरिटी अज्ञानियों की होती है, तो हर समय आम आदमी एक दूसरे को अज्ञान ही पक्का कराता है, सुख इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और आदमी इसको प्राप्त करने के लिए जीवन भर तक दौड़ते रहता है, और श्वास बंद होने तक वो सुख मिलता नहीं, नहीं। क्योंकि है नहीं। और जहां सुख है वहां प्रयास भी नहीं। यस और नो? जानते भी नहीं आप सब। तो एक लकड़कोर था, लकड़कोर समझते हैं, लकड़े काटने वाला। आप क्या कहते हैं? लकड़हारा। एक लकड़हारा था, लकड़े काटने वाला, वो जंगल के पास छोटे गांव में रहता था। हर रोज सुबह चपाती खा के टिफिन लेके जंगल में जाने का, जंगल में टिफिन रख के लकड़े काटने का, वो 12:30 बजे तक लकड़े काटते रहेगा, फिर धूप आ जाएगी तो वो लकड़ी का क्या बनाएगा? भारा गटिया बनाएगा। वो बना के फिर नजदीक में तालाब था, कोई बहुत बड़ा नहीं था तालाब, छोटा था, हाइट उसकी बहुत कम थी, 6-8 फुट का उसकी हाइट थी, आप समझे, और करीब
8-10,000 फीट का उसका वो व्यास होगा, 8-10,000 फीट का व्यास राउंड, और 8 फुट का उसकी डीपनेस। तो वो 12:30 बजे भारीला बंद करके गठरिया बना के फिर वो तालाब में मुंह धो के पानी पी के खाना खाते थे, और खाना खाने के बाद धूप की वजह से वही पेड़ के नीचे आराम करते थे। और जब 3:30 हुआ तो फिर फ्रेश होके पानी पी के वो जो गठरिया बनाई है लकड़ी की वो बेचने के लिए बाजार में जाते थे। वो बाजार में बेच के उसका जो पैसा आता था इसका सीधा सामान लेके घर पे आता था। ये उसका नित्य क्रम था। क्या था? नित्य क्रम रूटीन। एक दिन वही वो सुबह अपना टिफिन लेके जंगल में आया, जंगल में टिफिन रख दिया, लकड़ी काट रहा है। 12:30 बजे बजे तो उन्होंने गठरी बांध दिया, फिर तालाब में मुंह धो के पानी पीने के लिए जा रहा है। उस समय उन्होंने तालाब के अंदर डायमंड का गोल्ड का हार देखा, डायमंड का हार गोल्ड से बना हुआ है वो देखा। फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया, कोई देख नहीं रहा है, या तो किसी का है नहीं, कोई अगर ढूंढ रहा है ऐसा भी कोई था नहीं, तो फिर उन्होंने डुबकी लगाई लेने के लिए। तो डुबकी लगाई, पानी तो बहुत गहरा नहीं था, 8-1 फुट था, तो नीचे डुबकी लगाई तो हार तो नहीं देखा। फिर पानी कैसा हो गया? हिल गया, तो मेला हो गया ना, तो नीचे की चीज दिखती नहीं। जब स्थिर पानी होता है दिखता है, और धुंधला हो गया तो नहीं। तो फिर अंदर डुबकी लगाने के बाद नहीं मिला, तो फिर ऐसा देखने का प्रयास किया मगर दिखा नहीं। तो पानी कैसा हो गया था? धुंधला, धुंधला हो गया था। तो फिर ज्यादा समय तो पानी में रह सकते नहीं, फिर कहाँ गया? ऊपर आ गया, फिर पानी स्थिर हुआ, फिर देखा तो फिर बाहर वहां ही है। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा तो भी हार हाथ में, फिर ऐसा ऐसा प्रयास किया मगर हाथ में नहीं आया, फिर ऊपर आ गए। ऐसे 8-10 बार प्रयास किया, कितनी बार? 8-10 बार, 8-10 बार मगर हार नहीं आया, नहीं मिला। तो ये आज उनकी जो प्रक्रिया थी वो डेली करता था ऐसी नहीं थी। तो वो तालाब के दूसरे छोर के ऊपर एक सन्यासी रहता था, पैर के नीचे छोटी झोपड़ी बनाई थी और बाहर खटिया लगा के वो बैठता था पैर के नीचे और साधना करता रहता था। हर रोज वो खटिया को लकड़हार को देखते रहता था। मगर आज उनकी जो बिहेवियर है वो एब नॉर्मल थी। क्या थी? असामान्य, अजीब थी। नॉर्मल करता था वो नहीं करता था, नॉर्मल तो ऐसे डुबकिया नहीं लगाता था। तो वो सन्यासी को लगा कि ये लकड़हारा है, वो कुछ डिफिकल्टी में है, प्रॉब्लम में है, तो लाओ मैं उसको हेल्प करूं। तो वो सन्यासी ढूंढ रहा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, तालाब में उसको हेल्प करूं, क्योंकि हर रोज वो उनको देखते थे। तो वो तालाब के किनारे किनारे उनके पास आया और पास आके उसको प्रश्न किया कि मैं कोई आपको मदद कर सकता हूं? तो लक्कड़हारा ने कहा कि देखो सन्यासी जी, ये हार है, पानी में दिखता है, मगर मैं लेने के लिए जाता हूं तो मिलता नहीं। तो सन्यासी ने भी हार को देखा, फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया, चारों ओर के दृश्य को देखने का प्रयास किया। फिर सन्यासी ने लक्कड़हारा को उत्तर दिया कि तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां हार नहीं है,
और जहां हार है वहां दृष्टि नहीं है। क्या बताया? मतलब जहां पे वो देख रहा है वहां पे चीज नहीं है, कहीं और है। तो फिर नक्कड़हारा ने कहा नहीं आप सही नहीं कहते हैं, जहां दृष्टि है वहां ही हार है। फिर सन्यासी ने कहा नहीं, तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां हार नहीं है और जहां हार है वहां फिर भी वो मानता है और समझता भी। तो बार बार पूछने के बाद जब वो कंफ्यूज होता गया तो फिर नक्कड़हारा ने पूछा, सन्यासी मेरे को सीधा सीधा बताओ, ये उल्टी सुल्टी बात मेरे को समझ में नहीं आती है। तो सन्यासी ने कहा देखो सीधी बात यह है कि जो हार है वो पैर के ऊपर लटक रहा है, इसका प्रतिबिंब नहीं समझ में आया है? समझ में आया कि नहीं? मिलेगा तो पानी में सो कर जाओ। हम सब यही लक्कड़हारा जैसा है, सुख अंदर है और ढूंढते हैं, बोला मिलता नहीं है, मगर है नहीं तो कहां से मिलेगा, है अंदर और ढूंढते हैं, मिलेगा। तो लक्कड़हारो हम में क्या फर्क है? सही है कि नहीं? ऐसी दुनिया गोल गोल चलती है। कैसे? सच्चाई किसी के पास नहीं। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया सुख सिर्फ आत्मा के अंदर है और वो आत्मा का स्वभाव है, मगर आत्मा की हाजिरी में जब अहंकार को ज्ञान हुआ कि सुख बाहर है, सुख साधनों के माध्यम से है, सुख इंद्रियों के माध्यम से है, सुख का अनुभव बुद्धि से होता है, सुख का अनुभव प्राप्ति से होता है, वो ही अज्ञान से इतने अवतार हमने गवाए और गवाए क्योंकि जहां है वहां हमारी दृष्टि और जहां नहीं है वहां हमारी दृष्टि। फिर क्या होगा? घूमते रहेंगे, राइट और रॉन्ग। तो आत्मा के अलावा दुनिया में कोई चीज के अंदर सुख हो सकता है? नहीं। समझ में आया? तिजोरी के अंदर अगर 50 लाख रुपया पड़ा है या डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर पड़ा है, कभी भी तिजोरी को आनंद नहीं होगा, मगर तिजोरी के मालिक को होगा। पैसा तिजोरी में, आनंद मालिक को। नहीं समझ में आया? क्योंकि मालिक के अंदर आत्मा है, तिजोरी के अंदर आत्मा नहीं है। हर बात में सेंटर में आत्मा को लाना ही पड़ेगा। ये नहीं समझोगे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी। और कोई भी धार्मिक क्रिया करते रहो, इसको नहीं समझोगे वहां तक क्या है, क्या है? जो भी करेगा आत्मा के अलावा, आत्मा की पहचान के अलावा, आत्मा की अनुभूति के अलावा, जो कुछ भी करेगा शरीर, इससे जो कुछ भी फल मिलेगा वो सिर्फ शरीर को ही मिलेगा, हमको आप समझे। मगर शरीर के अंदर बंधन में तो आत्मा को ही रहना पड़ता है। यस और नो? यस यस। गलती इसकी, भाव अहंकार का, भुगतान भी उसकी और जेल आत्मा को। यस और नो? यस। तो इस अज्ञानता की जेल से निकलना है। किसकी जेल से? अज्ञानता। ये संसार की जेल में से निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में लाने वाला भी कुदरत है, संसार में रखने वाला भी कुदरत है और संसार को समाप्त करने वाला भी।
और इसीलिए संसार से बाहर निकलना वो आपका काम कुदरत आपको कंपलसरी करवाएंगी। तो जो कुदरत के हाथ में है उसमें हमको प्रयास करने की जरूरत, मगर हमारे हाथ में जो अज्ञान को ज्ञान मानना है वो अज्ञान को अज्ञान मानना ही पड़ेगा, तभी हमारे अंदर से अज्ञान, नहीं तो अज्ञान निकलने की संभावना नहीं। फिर तुम कुछ भी क्यों ना करो, अज्ञान अंदर है और बाहर की क्रियाओं से अज्ञान जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। और शरीर और आत्मा से कंसर्न क्या है, क्या कंसर्न है? ये दिया भी कुदरत ने है, चलाते भी कुदरत है और उसका अंत भी कुदरत लाते हैं, तो फिर उसको कुछ मिलता है ना मिलता है इससे आत्मा से क्या मतलब है? अपन दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा सबसे पहले अज्ञान निकाल दो कि मैं शरीर हूं। शरीर को जलाने की जरूरत नहीं है, अज्ञान को निकालने की जरूरत है कि मैं शरीर नहीं हूं, नंबर वन। नंबर टू, मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूं। और नंबर थ्री, शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला भी मैं, और लास्ट में इसका अंत लाने वाला भी मैं नहीं। यानी मन वचन काया का जो पैकेज है जन्म से मौत तक, उसमें मेरी कोई फ्रीडम नहीं, मगर मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये जागृति रखनी पड़ेगी, तभी आपकी अंदर से धीरे धीरे अज्ञान जाएगा, नहीं तो अज्ञान जाने की कोई संभावना नहीं है। आप तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, माला गिनो, इससे अज्ञान नहीं जाएगा। मगर कोई भी शुभ क्रिया करता भाव से करोगे तो पुण्य जरूर मिलेगा और नया बंधन जरूर मिलेगा, इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं। क्योंकि पुण्य से जो कुछ भी मिलेगा वो शरीर को मिलेगा, वो आत्मा को, आत्मा तो वही का वही है, मिलेगा भी उसको और चला जाएगा भी उसके पास से, यह सुन लो। तो हमारे को तो उनसे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि ये तो जलाने के बाद भी हम हैं। तो आखिर हमको इसकी खोज करना है या इसकी करना है या दुनिया की खोज करना है, किसी करना है? आत्मा की। और करते हैं धीरे धीरे समझ में आता है ना बात, तो इसलिए मैंने स्लोली स्लोली हर बात समझाने की कोशिश किया ताकि आपको डाइजेस्ट हो गए। अभी समय हो गया, प्रार्थना करते हैं। किसी को प्रश्न करना है मन में कोई भी करो, भी प्रश्न का जवाब होने स्वामी जी आज ही अरे प्रश्न करो सब ये हवा एकदम परमानेंट सलूशन कोई बात वो भी नहीं ना सबको पता चलेगा ना घुमा घुमा नहीं कुछ नहीं तो कोई प्रश्न है तो कुछ एक नहीं डर भी नहीं होते नहीं नहीं कोई ऐसा पर्सनल जैसा नहीं तो जो कह रहा है तो फिर कुदरत किसने बनाया सबसे साइंटिस्ट भी वही ढूंढ रहे हां हम भी ढूंढ रहे हैं अभी ब्लैक होल मिला तो फिर कुदरत बनाने वाला कौन जब सबको मोक्ष ही जाना है सबको मोक्ष ही क्यों सबसे पहला प्रश्न यह है कि कुदरत क्या है ठीक है दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है मोक्ष में ही क्यों जाना है टू क्वेश्चन करेक्ट पहला प्रश्न कुदरत क्या है कुदरत का मतलब है छह सनातन तत्वों का टोटल क्या बताया सनातन तत्व एलिमेंट उसका एक नाम कुदरत कुदरत जो तत्व कभी इसका जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होता है तो इसको तत्व बोलते हैं परमानेंट नो बिगिनिंग नो एंड इसको एलिमेंट्स कहते हैं क्या कहते हैं तत्व की बिगिनिंग एंड नहीं होती है अवस्थाओं की बिगिनिंग एंड होती है यह शरीर अवस्था है तो उसका जन्म और मृत्यु है शरीर के साथ जुड़ी हुई हर अवस्था का बिगिनिंग और मगर आत्मा का बिगिनिंग एंड तो इसको एलिमेंट्स बोलते हैं तत्व ऐसे छह तत्वों का टोटल इसका एक नाम कुदरत इंग्लिश में उसको नेचर कहते हैं
तो छह तत्व कौन सा है वो जान लो। पहला तत्व है चेतन तत्व जो आत्मा तत्व है, इसका कभी एंड बिगिनिंग एंड। दूसरा तत्व है जड़ तत्व जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, परमाणु, क्या बोलते हैं, परमाणु का कभी नाश नहीं, अवस्थाओं का नाश हो सकता, ये अवस्था है, ये अवस्था है, ये भी अवस्था, ये भी अवस्था, ये भी अवस्था, मगर जो मॉलिक्यूल्स है इनका एंड नहीं है, वो जड़ तत्व है, आप समझे, मगर वो भी परमानेंट है, अवस्था के रूप में टेम्पररी, तत्व के रूप में। तो चेतन तत्व परमानेंट, जड़ तत्व परमानेंट। तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन, मूवमेंट, तत्व परमानेंट है और अवस्था के रूप में वो काम करता है, सहायक। अगर पंखा बंद ऑन करो तो गति सहायक और बंद करो तो स्थिति सहायक। तो तीसरा तत्व गति सहायक और चौथा तत्व गति सहायक, तो तीसरा गति सहायक और चौथा स्थिति सहायक। ये बैठे हैं, ये स्थिति सहायक है, अगर चलेंगे तो गति, हाथ हिलाएंगे तो गति, ये ब्लड सर्कुलेशन होगा तो गति, ये हवा लेंगे तो गति, श्वास लेंगे तो गति, ये खाना खाएंगे तो गति। गति सहायक का मतलब होता है मूवमेंट। और हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो कैसा है, फेफड़ा चलता है, हार्ट चलता है, ऐसा हार्ट बीट होता है ना, इसलिए मैंने जब मैं प्रश्न करूंगा तो फिर वही जवाब निकलेगा, निकल गोल गोल हो जाता है। आप समझे, ये हड्डियां बड़ियां चलती है, नहीं, तो स्थिति सहायक है, उसमें जो ब्लड है वो चलता है, गति सहायक तत्व है और हड्डियां स्थिति सहायक तत्व है, ये सब ऑर्गन जो फिक्स है वो स्थिति सहायक, उसमें प्रोसेस है वो गति सहायक, ये बाहर भी सब कुछ चलता है वो, और जो स्थिर है वो गति सहायक स्थिति सहायक, ये स्टैंड खड़ा है वो स्थिति सहायक, इसको हलाएंगे तो गति सहायक, मगर ये तत्व के हिसाब से होता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स, आप समझे। फिर पांचवा तत्व है समय तत्व, टाइम, कोई भी अवस्था बिना टाइम हो सकती है, इसका भी टाइम तत्व के साथ कनेक्शन है कि नहीं, और हर अवस्था का भी टाइम तत्व के साथ, तो तत्व परमानेंट है, अवस्था में वो काम करता है, तो एलिमेंट्स इज अ परमानेंट एंड दे हेल्प इन अ सर्कमस्टेंसेस, संयोग बनाने में वो सहायक होते हैं। और लास्ट तत्व है स्पेस, कौन सा, space. बिना स्पेस कुछ हो सकता है, हम हिलते हैं बिना स्पेस, या खाना खाता है बिना स्पेस, हवा लेता है बिना स्पेस, ये ब्लड सर्कुलेशन होता है बिना स्पेस, बिना स्पेस हम कुछ भी कर सकते हैं, तो स्पेस, स्पेस तत्व भी क्या है, परमानेंट, इसका कभी नाश नहीं। तो ये दुनिया में जो छह तत्व है, टोटल ऑफ सिक्स इटर्नल एलिमेंट, इसका एक नाम है कुदरत, ठीक है। और ये कुदरत है, इसमें से पांच तत्व से अवस्था होती है और छठा तत्व की प्रेजेंस है, समझ में आया, आत्मा की प्रेजेंस और बाकी पांच तत्वों से अवस्था बनी, आत्मा की अवस्था नहीं। बाकी पांच तत्वों में जो जड़ तत्व है, ये जड़ तत्व की अवस्था को बाकी के चार तत्व सहायक है, जैसे ये जड़ तत्व है, जड़ तत्व को गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस वो सहायक है, और आत्मा की प्रेजेंस ना, नाउ यू अंडरस्टैंड। सो द नेचर मीन्स टोटल ऑफ सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स, और ये छह तत्व से दुनिया कैसे चलती है, तो क्या कुदरती कानून से, ये तो कुदरत हुआ, मगर चलती कैसे है, दिन होगा रात होगी, ठंडी गर्मी बारिश भरती होटी होट सन मून स्टार्स
ग्रह नक्षत्र भरती ओट ये सब कैसा होता है? टाइम वाइज होता है। इसका मैनेजमेंट कौन करते हैं? गवर्नमेंट कुदरत। और हम जो कर्म करेंगे पिछले अवतार में उसके भुगतान का संजोग भी कौन देगा? कुदरत देगा। एज पर द लॉ ऑफ नेचर। तो मैंने जो कर्म किया है इसका मार्क्स कौन देगा? और उसका मुताबिक हमको फल मिलेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नेचर इज लाइक अ टीचर और प्रोफेसर। जो मैंने बिगिनिंग किया था सत्संग की, अभी टैली होता है? हाँ। टैली होता है तो समझने में देर लगेगा, क्योंकि ये सब बातें हमने कभी प्रवचन में सुनी नहीं, और प्रवचन वाले सुनाते भी नहीं, और जानते भी नहीं, और बताते भी नहीं, नहीं है। क्योंकि मोक्ष की बात की जरूरत, फिर भगवान का नाम तो अपने काम के लिए देना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं दूंगा तो मेरे को मेरी सेवा कौन करेगा? तो सेवा के लिए भी नाम तो, भले मैं मोक्ष की बात करूँ या, मगर नाम तो ऐसे बड़े व्यक्ति का लूँ ताकि आप हमारी सेवा करो। नहीं समझ में आए? आप समझे ना? तो इसीलिए कुदरत, ये कुदरती कानून से दुनिया चलाते हैं, और जो कानून से दुनिया चलती है इसको कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जिसका जो कुछ सिंपल भाषा में बोलते हैं संजोग, सर्कमस्टांसेस। आप समझे? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। तो ये तीन बातें समझना हमारे लिए अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात नहीं समझोगे तो ये आध्यात्मिक विज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये रहस्य है। क्या है वो कोई बताते हैं? इंटरेस्ट भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पांच तत्व है वो पांच तत्वों को दुनिया के हर साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। जड़ तत्व, गतिशायक, स्थितिशायक, टाइम एंड स्पेस, ये पांच तत्वों को दुनिया के हर साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, या और या तो कहेंगे मटेरियल साइंस। अगर उसको अंदर आत्मा जोड़ दिया तो स्पिरिचुअल साइंस हो गया, आत्मा निकाल दिया तो मटेरियल साइंस हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड? बट देयर इज नो इन दिस वर्ल्ड टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ये दुनिया में दो प्रकार के तत्व जो साइंटिस्ट बोलते हैं वही तत्व अध्यात्म में है। इसमें प्रकार में डिफरेंस नहीं, मगर साइंटिस्ट पांच तत्वों को बिलीव करते हैं और आध्यात्म में छह तत्व। जब आत्मा को ऐड कर दिया तो स्पिरिचुअल हो गया, इसको निकाल दिया तो भौतिक हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड? बट देर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, ओनली वन एलिमेंट्स। बाकी पांच तो दोनों में क्या है? समझ में आया? और दूसरा प्रश्न क्या था? मोक्ष कैसे? मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे है, और मोक्ष की जरूरत क्यों है? ठीक है, क्या है, कैसे है और क्यों है? मोक्ष का मतलब होता है फर्स्ट डेफिनेशन, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, वो पहला मोक्ष। बंधनों से एक मुक्ति इज इक्वल टू अज्ञानता से मुक्ति। अज्ञान नहीं है तो बंधन नहीं है। अज्ञान नहीं है तो बंधन नहीं, और अज्ञान है तो मुक्ति नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो इंपॉर्टेंट इज अज्ञान। समझ में आया ना? अज्ञान नहीं है तो बंधन नहीं है। तो सबसे पहला मोक्ष फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। कौन सा बंधन? अज्ञान। और दूसरी मुक्ति क्या है? सभी प्रकार के कर्मों से, वो परमानेंट मुक्ति, ये जन्म मरण। मगर ये क्यों जरूरत है? व्हाई वी गो टू द मोक्ष? व्हाई?
इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो कि इस दुनिया के अंदर ज्ञानी भगवंतों ने खुद ने अपने ज्ञान दर्शन से अनुभव किया कि आखिर दुनिया में कोई सुख जैसी चीज है ही नहीं, और सुख मेरा ही स्वभाव है, तो ये जन्म मरण लेने से क्या फायदा? ये सारी संपत्ति कुदरत की है, कुदरत के पास ही रहेगी। ये शरीर के पांच तत्व भी कुदरत का है, कुदरत के पास ही रहेगा। ये सत्ता संपत्ति संबंधी कुदरत की है, कुदरत के पास ही रहेगी। हम भ्रांति से क्यों जिए? हम जो है वो नहीं माने, इसका अनुभव नहीं करें। हम जो नहीं है इसका अनुभव करना है। तो हैप्पीनेस तो मेरा स्वभाव है, फिर दुनिया में घूमने से क्या फायदा? फिर बॉडी से क्या मतलब? जब सुखी मेरे में है, आत्मा में है, और मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरे को आत्मा की अनुभूति करनी है, शरीर की करनी है या बाहर की संपत्ति की करनी है? आत्मा। मेरा स्वभाव ही सुख है, आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति में, कोई भी चीज में सुख का स्वभाव नहीं है, आप समझे? तो इसीलिए अच्छे, अगर परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव करना है तो आत्मा का अनुभव करना ही पड़ेगा। और आत्मा के अनुभव करने के लिए अज्ञानता का नाश करना ही पड़ेगा, और अज्ञानता का नाश करने के लिए सनातन सत्य जानना ही पड़ेगा, और सनातन सत्य में मैं आत्मा हूँ और ये कुदरत क्या है वो समझना ही पड़ेगा। इसको समझने के पहले हम इस दुनिया के अंदर अज्ञानता मिटा भी नहीं सकते हैं। Now you understand the whole conclusion? Yes. That's it. Yes. Last question. Yes. Sukh anubhav ji, atma sukh anubhav. So there's still a receiver there. There is still a receiver. Means? Sukh anubhav karva mate. The intention is to experience the atmic sukh. So that means that there's still a receiver of that. Your question is, who realized the real happiness? That is your question. Yes. Right or wrong? Yes. Okay. There's a receiver there. It seems that there's another receiver there. Yeah, I know that. Where you are confused, I know that. आप नहीं explain करोगे मैं समझ जाऊंगा. Don't worry about this. सबसे पहली बात ये है. एग्जाम्पल समझो, दो भाई थे, छोटा भाई और बड़ा भाई, और दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। दोनों कारोबार करते थे, अपना जीवन जी रहे थे। बड़े भाई ने गलती कर दिया, क्या कर दिया? गलती कर दिया, क्राइम कर दिया। उनका कोर्ट में केस चला, क्या चला? केस चला। फिर 2-5 साल के बाद इसका रिजल्ट आया, 10 साल की जेल। क्या आया? 10 साल की जेल। तो बड़े भाई को छोटे भाई जेल तक छोड़ने के लिए आए, एज अ रिस्पेक्ट। बड़े भाई तो अंदर चले गए और छोटे भाई थोड़े समय के बाद घर पे चले गए। अभी बड़ा भाई तो रहता है जेल के अंदर, वहाँ न गद्दी है, रुखा सूखा खाना है, न पंखा है, न पानी है, सब कुछ मांगना पड़ता है, वो भी झूठा। आप क्या कुछ कर सकते हैं? एक एक दिन निकालते हैं तो वो काउंट करते हैं, अभी कितना बाकी रहा, कितना बाकी रहा 10 साल में। एवरी डे वो काउंट करता है, काउंट करते करते 1 महीना खत्म हुआ, 6 महीना खत्म हुआ, 1 साल खत्म हुआ, फिर माना कि अभी 9 साल बाकी है। ऐसे करते 2 साल खत्म हुआ, 8 साल बाकी है, 3 साल खत्म हुआ, 7 साल बाकी है, ऐसे 5 साल खत्म हुआ, 5 साल बाकी है, 8 साल खत्म हुआ, 2 साल बाकी है, अभी 9 साल खत्म हुआ, 1 साल बाकी है, फिर 1 साल के बाद 1 महीना खत्म हुआ, 11 महीना बाकी है, 2 महीना खत्म हुआ, 10 महीना बाकी है, 6 महीना खत्म हुआ, 6 महीना बाकी है, 9 महीना खत्म हुआ, 3 महीना बाकी है, ऐसे करते 1 महीना बाकी रहा। फिर सोचने लगा अभी 30 दिन बाकी है, कितना? 30 दिन बाकी है, इसमें से 5 दिन खत्म हुआ, 25 बाकी है, 15 दिन खत्म हुआ, 15 बाकी है, फिर 5 दिन बाकी रहा,
फिर पांच दिन में एक दिन खत्म हुआ, चार बाकी, फिर एक दिन खत्म हुआ, तीन बाकी, फिर एक दिन खत्म हुआ, दो बाकी, फिर एक दिन रहा, फिर कहता है 24 घंटा। अब एक घंटा खत्म हुआ 23, फिर दो घंटा, फिर पांच घंटा खत्म, 10 घंटा खत्म, 12 घंटा खत्म, फिर भी 12 बाकी, फिर 18 घंटा खत्म हुआ, 6 घंटा बाकी, ऐसे 23 घंटा खत्म हुआ, 1 घंटा बाकी, अभी बाहर जाने की फल है उसके। कितने साल से सोच रहे हैं? 10 साल। और आज इसका एंड आने का समय आ गया। धीरे धीरे उसके भाई तो बात तैयारी है, और ये करते करते 1 घंटा भी और वो बाहर आ गए। तो छोटे भाई बड़े भाई को प्रश्न करते हैं कि बड़े भाई आप बाहर आए, आपको कैसा लगता है? तो बड़े भाई ने कहा, मेरे को तो अभी ये स्वर्ग का सुख जैसा लगता है। क्या बताया? स्वर्ग का सुख जैसा। किसने बताया? बड़े भाई। क्यों बताया? बल्लन से बाहर आया। कहाँ से बाहर आया? फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को पूछा, तुमको क्या लगता है? बोला, मेरे को तो कोई अनुभव नहीं, नहीं समझ में आया। तो दोनों के लिए दुनिया एक थी कि अलग थी? एक है। तो अनुभव क्यों अलग? बताइए। Why? The circumstances are same, but the experience are. Why? बंधन का अनुभव हुआ तब मुक्ति का। तो जिसको ये मन वचन काया से चलता हुआ जीवन जेल जैसा बंधन लगता है, उसको ही मुक्ति का अनुभव होगा। मगर जिसको ये जीवन बंधन नहीं लगता है, सुख का साधन लगता है, इसको मुक्ति का अनुभव भी नहीं। राइट और रॉन्ग? ये हर मेरे एग्जाम्पल दुनिया की कोई किताब में नहीं। अभी कोई नई छपवाएंगे सुन के तो अलग बात है। ये हर एग्जाम्पल मेरे दर्शन का है, नॉलेज का नहीं है। अभी प्रार्थना पूरा देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किया है, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। उनके लिए, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार गलतियाँ ऐसा न करूँ, बार बार ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेद भाव निकल जाए, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।